हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोलो बैकपैकर अमन। जैसा कि यार आप लोगों को पता है कि अपना एक चैलेंज चल रहा है, मुझे 90 दिन में 1,00,000 रुपया कमाना है, जिसका हिसाब किताब मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ चुका हूं। अपने 70 दिन इस चैलेंज के पूरे हो चुके हैं, जिसका हिसाब किताब सारा इस कॉपी में मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला हिसाब मैंने अपने 19 दिन का दिया था कि 19 दिन में हमने कितना कमाया, उसके बाद 50 दिन का दिया था, और आज मैं आपको सारा 70 दिन का हिसाब देने वाला हूँ कि 70 दिन में कितना कमाया, कितने का पेट्रोल लगा, कितना बाइक मेंटेनेंस पर खर्चा हुआ और कितना उसके बाद हमें बचा। ये सारा मैंने कॉपी पर लिखा हुआ है 51 to 70 डे का, डे बाय डे। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को डे 50 तक का रिमाइंड दिलवाना चाहता हूं कि हमने डे 50 तक क्या किया था, उसके बाद डे 51 से शुरू करेंगे। डे 50 तक हमने टोटल अर्निंग जो की थी 62,331 की थी। बाइक मेंटेनेंस पर जो खर्चा हुआ था 8,070 का हुआ था। ये खर्चा ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा बाइक के इंजन का खर्चा भी इसी में इंक्लूड है। बाइक का इंजन खुल गया था 4,500 उस पर लग गया था, और जो पेट्रोल पर खर्चा हुआ था 11,680, और 62,331 में से बाइक और पेट्रोल का खर्चा निकालकर जो हमें 50 दिन में प्रॉफिट हुआ था 42,581 का हुआ था। ये तो था अपना 50 दिन का हिसाब किताब, है ना। इसकी वीडियो आप लोगों ने पहले भी देखी होगी। अब शुरू करते हैं डे 51 से। डे 51 में मैंने 1,749 की अर्निंग की, 300 का पेट्रोल लगा। डे 52 में 2,228 की अर्निंग की, 350 का पेट्रोल लगा। डे 53 में 1,305 की अर्निंग की, 250 का पेट्रोल लगा। डे 54 में 1,470 रुपये की अर्निंग की, 300 का पेट्रोल लगा, प्लस 50 रुपये हमारे बाइक मेंटेनेंस पर लगे, लाइक बाइक पंचर हो गई थी उसके, ये जो बाइक पंचर का खर्चा है ये मेंटेनेंस में चला जाएगा, है ना, उसमें ऐड कर दूंगा मैं। डे 55 में 1,591 की अर्निंग, 300 का पेट्रोल। डे 56 में 1,527 की अर्निंग, 300 का पेट्रोल। डे 57 में 1,577 की अर्निंग, 300 का पेट्रोल। डे 58 में 1,337 की अर्निंग, 300 का पेट्रोल। डे 59 में 1,368 की अर्निंग, 250 का पेट्रोल। डे 60 में, डे 60 यार जो ऑर्डर था वो लीक हो गया था, जिसमें हमारा पे आउट भी कट हो गया था, फिर उस दिन मैंने काम नहीं किया तो मैं घर आ गया था। 319 की अर्निंग हुई थी, 150 का पेट्रोल लगा था। 150 का पेट्रोल इस वजह से लगा क्योंकि उस ऑर्डर में मैं 30-32 किलोमीटर घर से दूर था, जो मेरे को सारा खाली वापस आना पड़ा। 50 रुपये का पेट्रोल तो मेरे को घर में खाली आने में लग गया, और जो पे आउट कट हुआ, पे आउट तो ज़्यादा आना था लेकिन कट हुआ, इस वजह से अर्निंग कम है, पेट्रोल ज़्यादा है। डे 61 में जिस दिन बारिश हुई थी 1,976 रुपये की अर्निंग करके 350 का पेट्रोल लगा था। डे 62 में 1,527 की अर्निंग करके 300 का पेट्रोल। डे 63 में 1,270 की अर्निंग करके 300 का पेट्रोल। डे 64 में 1,495 रुपये की अर्निंग करके 300 का पेट्रोल। डे 65 में 119 की अर्निंग करके 70 रुपये का पेट्रोल। इस दिन भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, लंबी लंबी पिकअप दे करके, लंबे लंबे ड्रॉप दे करके पैसे कुछ भी नहीं दे रहे थे, इस वजह से फिर मैं दिमाग ख़राब हुआ, मैं घर आ गया था, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। डे 66 इस दिन मैंने किया था स्विगी में काम, जिस दिन हमें मिल रहा था 70 रुपये पर ऑर्डर फ्लैट, भले ही 1 किलोमीटर भले ही 10 किलोमीटर, 470 रुपये का काम करके 90 रुपये का पेट्रोल लगा था। डे 67 297 का काम करके 100 रुपये की अपनी अर्निंग हुई थी। इस दिन भी कुछ दिक्कत आ गई थी तो मैंने पार्ट टाइम काम किया था, फिर मैं घर में वापस आ गया था। डे 68 में फिर से स्विगी में काम किया था, 488 की अर्निंग की थी, 90 रुपये का पेट्रोल लगा था। डे 69 फिर मैंने जोमेटो में पार्ट टाइम काम किया था, 341 रुपये की अर्निंग करके 110 रुपये का पेट्रोल लगा था अपना। और डे 70 जो कि आप लोगों ने देखा होगा, स्विगी वर्सेस जोमेटो, जिसमें मैंने स्विगी में काम किया था, मेरा एक फ्रेंड था उसमें, उसने जोमेटो में काम किया था, तो इसमें मैंने 1,286 रुपये की अर्निंग की थी, 350 का पेट्रोल लगा था। स्विगी में काम करते हैं, बाइक की घिसाई ज़्यादा है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है यार स्विगी में, ये फैक्ट है, फुल डे काम करके मैंने देख लिया और अजमाई हुई चीज़ कह सकते हैं इसे। और 51 to 70 डे के बीच में जो टोटल अर्निंग हुई है 23,727 की हुई है, पेट्रोल लगा है 4,860 का लगा है।
अब बात कर लेते हैं टोटल 70 दिन में हमने कितनी अर्निंग की, कितना पेट्रोल लगा, कितना मेंटेनेंस का खर्चा हुआ। जो हमारी टोटल अर्निंग हुई है 86,058 रुपए की हुई है। जो पेट्रोल लगा 16,540 रुपए का पेट्रोल लग चुका है 70 दिन में हमारा। और जो बाइक मेंटेनेंस का खर्चा आया है 70 दिन में 9,400 के करीब आया है। तो पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा निकाल करके जो हमें 70 दिन में प्रॉफिट हुआ है 60,118 रुपए का हुआ है। ये था अपना टोटल हिसाब किताब 70 दिन का। और यार आप लोगों को मैं एक चीज तो बोलना भूल गया, जो मैंने सोचा था मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलूंगा, लेकिन मैं एंड में बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो यार आप लोगों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यार डिलीवरी बॉय का काम करके भी अपनी YouTube फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। 35K सब्सक्राइबर्स हमारे क्रॉस हो चुके हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। आप लोगों की वजह से ही ये चीज पॉसिबल हुई, हो सकी है। तो यार कभी कभी तो ना रोना आ जाता है या थोड़ा इमोशनल सा हो जाता हूँ। मैं काफी इमोशनल बंदा हूँ, तो मतलब समझ सकते हो यार आप लोग, एक डिलीवरी बॉय 35,000 सब्सक्राइबर, समझ सकते हो यार अंदर से कैसे मतलब जज्बात उबाले मार रहा है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला टारगेट है हमारा 50K क्रॉस करना है हमें। अगर इस मंथ में हो जाए तो भाई ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जाए भोले।